हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एमकॉम पार्ट वन सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस तो सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें से एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे क्वेरीज आई थी और आपके काफी सारे कमेंट्स के बेसिस पे ये वीडियो मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ तो देखा जाए तो ये टॉपिक काफी छोटा सा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेकिन कभी कभी पेपर्स में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बिफोर आई बिगिन विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो अगर आपको एम कॉम पार्ट वन कॉर्पोरेट फाइनेंस के सब्जेक्ट में कुछ भी चीजें नहीं आती है बहुत सारी चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है जैसे अभी ओवरऑल टाइम टेबल जो आया है जून के फर्स्ट वीक में जो ट्वेल्थ या थर्टीन जून से आपका एग्जाम होने वाला है लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का कुछ भी प्रिपरेशन आपका नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम का एप डाउनलोड करना है उसके अंदर एक कोर्स है कॉर्पोरेट uh, फाइनेंस का जिसमें सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मिलेंगे और अभी एनरोल करने पे आपको वन फिफ्टी का एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है जिसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं आर एस एम वन फिफ्टी तो आर एस एम वन फिफ्टी ये सिर्फ हंड्रेड स्टूडेंट्स के लिए ही है तो काफी जेन्युन प्राइस रखा है आपको वन फिफ्टी रुपीज और ऑफ मिल जाएगा एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप उसमें एनरोल करते हैं तो और अगर आप एनरोल भी नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं लास्ट मिनट रिवीजन का एप डाउनलोड करना ना भूले वहां पे आपको एम कॉम के प्रीवियस ईयर के पेपर फ्री में मिल जाएंगे और बाकी भी काफी सारी चीजें आपको वहां पे फ्री में मिलेगी तो चलते हैं अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है पहले तो कि कंफ्यूजन इसलिए होता है कि इसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं तो बेसिकली इसमें एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना या फिर रूल ऑफ सेवेंटी के बेसिस पे कितने साल में हमारा अमाउंट डबल हो सकता है बॉन्ड्स का कैलकुलेशन करना ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती है

टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक छोटा सा चैप्टर है बट स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है तो ये एग्जैक्टली exactly चैप्टर है क्या उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे एंड देन किस तरीके से क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं वो भी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा छोटा चैप्टर है कंपैरेटिवली देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट Uh, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल बेस पे या फाइनेंशियल मैनेजर को बेसिकली जो फाइनेंस है उसको किस तरीके से मैनेज करना है उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने फाइनेंशियल मैनेजर को दिया है किसको दिया है फाइनेंशियल मैनेजर जो बहुत सारे डिसीजन लेता है कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेता है कुछ शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेता है कितना पैसा री uh, इन्वेस्टमेंट करना है कितना पैसा लोगों को डिविडेंड करके बांटना है शेयर होल्डर्स को बिकॉज अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर गोल या मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है दैट इज कॉल्ड एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ध्यान से याद रखना आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर गोल या मेजर पर्पस क्या है तो फाइनेंशियल मैनेजर का मेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर गोल या मेजर पर्पस है वेल्थ मैनेजमेंट करना ठीक है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना दैट इज़ द मेजर गोल या मेजर पर्पस अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता क्या है जो भी आपको वैल्यू ऑफ मनी जो भी आपको वैल्यू ऑफ मनी आज रिसीव होगा ठीक है वॉट एवर वैल्यू ऑफ़ मनी यू विल बी रिसीविंग टूडे इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ़ मनी विच विल बी रिसीविंग इन द फ्यूचर तो जो भी फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उस पैसे को अगर हम प्रेजेंट के पैसे से या प्रेजेंट के मतलब आज के पैसे से अगर कंपेयर करें तो उसी को हम वैल्यू या टाइम वैल्यू ऑफ़ द मनी कहते हैं समझो फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि आज एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसको मैंने ऑप्शन दिया कि आज मैं आपको वन थाउजेंड रुपीज़ पे करता हूँ वन थाउजेंड रुपीज़ मैं आपको आज पे करता हूँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर वन आज मैं आपको वन थाउज़ेंड रुपीज़ पे करूँगा और ऑप्शन नंबर टू क्या है दो साल के बाद दो साल के बाद मैं आपको वन थाउजेंड रुपीज़ पे करूँगा तो यूजुअली कोई भी बंदा इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कोई भी बंदा हमेशा फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करने का ट्राई करेगा द रीज़न इज़ आज जो वन थाउजेंड रुपीज़ की वैल्यू है उसको अगर हम दो साल के बाद वन थाउजेंड रुपीज़ की वैल्यू से कंपेयर करें तो ये वैल्यू बिल्कुल भी डिफरेंट होगी बिकॉज़ आज हज़ार रुपये में जो भी चीज़ आप परचेस कर सकते हो दो साल के बाद वही चीज़ आप आप मार्केट में जब परचेस करने जाओगे तब उसकी वैल्यू 1500 या दो हज़ार तक हो गई रहेगी तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस हाइक इन द वैल्यू वी ऑल नो वी हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड द कंसेप्ट इज इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन की वजह से ये जो वैल्यू है ये चेंज होते रहता है तो इसीलिए कोई भी अगर प्रूडेंट इन्वेस्टर रहेगा कोई भी अगर ऐसा मंदा रहेगा तो वो क्या करेगा वो अभी ही थाउजेंड रुपीज़ लेने का ट्राई करेगा तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है द वैल्यू ऑफ़ मनी रिसिव टूडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ़ मनी रिसिव्ड इन फ्यूचर दैट इज़ कॉल्ड एज द कन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी आई होप का आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जो वैल्यू ऑफ़ मनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सारे आ, फंड्स को यूज़ करता है और ये फंड्स को एक्वायर uh, करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स को इशू करता है ऑर्गेनाइजेशन डिबेंचर्स को इशू करता है ऑर्गेनाइजेशन लोन्स लेता है बेसिकली ऑल दिस एस्पेक्ट्स इज़ इन्वॉल्विंग समथिंग कॉल्ड एज कैश इनफ्लो ठीक है कैश इनफ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो कैश इनफ्लो अगर है तो कंपनी अगर ये सारी चीज़ों के बेसिस पे अगर फंड्स को कलेक्ट कर रहा है तो कंपनी को सर्टन कॉस्ट इनके ऊपर आ जाएंगे जैसे अगर शेयर्स है तो शेयर्स के लिए हमें साल में एक बार डिविडेंड पे करना है अगर डिवेंचर्स है तो साल में एक बार हमको कंपलसरीली इंटरेस्ट पेमेंट करना है सिमिलर इज द केस विद लोन्स ऑल्सो तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही कहता है कि जो भी वैल्यू ऑफ मनी आज मिलेगा उसको अगर हम फ्यूचर के वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा और ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर हम आज थाउजेंड रुपीज़ की वैल्यू फ्यूचर से कंपेयर करें तो वो वैल्यू बढ़ेगी वो वैल्यू बढ़ती नहीं है वो वैल्यू कम होती है कम होने के रीजे पीछे रीजन्स क्या है कम होने के पीछे एक ही रीज़न है दैट इज़ कॉल्ड एज़ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये जो वैल्यूज होगी वो चेंज होते रहेगी तो ये आपको याद रखना है तो अभी हम क्या करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ इसका फिर हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेंगे बिकॉज ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है अभी सबसे पहला जो पार्ट है उसमें क्या सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं सो डैट आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा हमें पहले आप एक एग्जाम्पल एक ही लिख लेता हूँ हमको कैलकुलेट करना है हमको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट ठीक है क्या कैलकुलेट करना है वी विल बी कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है और हमारा अमाउंट है प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं टू लाख रुपीस का और हमारा इंटरेस्ट जो हमने लिया है वो है दस परसेंट का ठीक है और आपको ये सीनैरियोज दिए हैं पहला आपका सीनेरियो फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिक्स मंथ्स दूसरा आपका सिनेरियो फॉर एग्जांपल लेते हैं वन ईयर फिर आपका तीसरा सिनेरियो है टू ईयर्स और आपका फोर्थ सिनेरियो है डेज़ में ले लेते हैं ताकि वो भी आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा नाइन्टी डेज अभी आपने स्कूल में बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ठीक है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई दी टाइम पीरियड ठीक है अभी हमको करना क्या है तो क्या करेंगे हम इतने सारे कॉलम्स हैं तो कॉलम में ही प्रिपेयर करने का ट्राई करते तो अभी हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं पर्टिकुलर्स एक कॉलम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये सिक्स मंथ्स का कॉलम ये वन ईयर का कॉलम ये टू ईयर्स का कॉलम और ये लास्ट हमारा 90 डेज़ का कॉलम ऐसे आपके कॉलम्स हैं बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है डोंट गेट कंफ्यूज हमको क्वेश्चन में अमाउंट दे दिया है अमाउंट को ही हम प्रिंसिपल कहते हैं कितना है हमारा अमाउंट दिया हुआ टू लैक्स का तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लैक्स हम सेकेंड में भी लिखेंगे टू लैक्स हम यहाँ पे भी लिखेंगे टू लैक्स एंड हम यहाँ पे भी 90 डेज़ में भी लिखेंगे 2 लैक्स इट्स वेरी सिंपल आई होप कि आपको ये सब सिंपल चीज़ें जो है वो पता चलती होगी फिर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट लिख लेते हैं तो हमारा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो है वो उन्होंने दिया है टेन परसेंट का तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टेन परसेंट लिखता हूँ हर एक में हमको टेन टेन परसेंट लिखना है यहाँ पे भी टेन परसेंट यहाँ भी टेन परसेंट एंड सिमिलरली यहाँ पे भी टेन परसेंट देन हमारा जो पीरियड दिया है दैट इज़ कॉल्ड एस टाइम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पीरियड में सबसे पहले क्या दिया है सिक्स मंथ्स दिया है फिर हमारा वन ईयर है फिर हमारा टू ईयर है और उसके बाद हमारा नाइन्टी डेज है तो डेज़ को कैसे करेंगे हम नाइन्टी डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव करना पड़ेगा तो हमको आंसर जो है वो मिलेगा अभी हम क्या करेंगे अभी हम हमारा आंसर ढूंढ लेंगे सिंपल इंटरेस्ट देखो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल तरीके से करना है सबसे पहले हमको क्या करना है टू लैक्स लेना है टू लैक्स का दस परसेंट कैलकुलेट करना है टू लैक्स का अगर हम दस परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड आएगा फिर उसको हमको क्या करना है सिक्स मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू लैक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सिक्स बाय ट्वेल्व छः महीने के लिए कैलकुलेट करना है तो आपका जो फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा दैट विल बी टन थाउजेंड तो सिंपल इंटरेस्ट पहले का टेन थाउजेंड आ गया दूसरे का कैसे करना है सिमिलरली टू लाख का मल्टीप्लाइड बाय टेन परसेंट एक साल के लिए तो एक साल के लिए तो ये तो बीस हज़ार ही आएगा फिर टू लाख ,00 का टेन परसेंट दो साल के लिए तो एक साल के लिए बीस हजार है तो दो साल के लिए कितना आएगा चालीस हजार आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड यहाँ पर आ जाएगा ये थोड़ा कैलकुलेटिव है टू लैख्स ,00 का टेन परसेंट कितना आएगा ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड लेकिन हमको क्या करना है मल्टीप्लाइड बाय 90 डेज है डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी फाइव डेज करेंगे टोटल तो आपको आंसर आ गया पॉइंट में आ सकता है ये आंसर तो ये आपको मिलेगा फोर नाइन थ्री वन तो दिस विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट के आंसर्स फॉर इंडिविजुअल ईयर्स पहले का बीस हजार है दूसरे का पहले का दस हजार है दूसरे का बीस हजार है, है तीसरे का चालीस और उसके बाद फोर नाइन थ्री वन अभी हमको ना फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट करना है मैं आपको सिखाता हूँ फ्यूचर वैल्यू हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना है आई होप कि आपने ये सो एंसर्स अपने पास लिख लिए होंगे तो ट्वेंटी फोर्टी पहले का टेन ट्वेंटी फोर्टी और फोर नाइन थ्री वन तो इसको मैं अभी इरेस करता हूँ और अभी हम ढूंढेंगे फ्यूचर वैल्यूज बहुत ही सिंपल है ये आपके लिए नया होगा स्कूल में नहीं पढ़ा होगा फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है तो चलो बहुत ही सिंपल है सबसे पहले फ्यूचर वैल्यूज़ का कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से समझते हैं प्रिंसिपल में हमको सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करना है क्या करना है प्रिंसिपल में हमको सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करना है देन यू विल गेट दी आंसर फ्यूचर वैल्यू जैसे कि पहला हमारा सीनियरियो क्या था पहला हमारा सीनेरियो था सिक्स मंथ्स का तो हमारा प्रिंसिपल क्या था हमारा प्रिंसिपल तो सेम था टू लाख रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया दैट वाज टेन थाउजेंड तो आपका फ्यूचर वैल्यू कितना आएगा पहले का टू लैख टेन थाउजेंड दैट इज़ योर फर्स्ट आंसर आई होप कि दिस इज़ वेरी सिंपल यू गॉट द पॉइंट सेकेंड जो था दैट वॉज़ वन ईयर तो अगर हम वन ईयर की बात करें तो टू लैख्स को हमको प्लस करना है इसमें कितना आंसर आ जाएगा इसमें आपका आंसर था बीस हजार रुपया जो आपने कैलकुलेट किया तो टू लैख प्लस ट्वेंटी थाउजेंड दैट विल बी टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड इज़ योअर सेकेंड का अमाउंट उसके बाद हमारा कौन सा साल था उसके बाद हमारा टू इयर्स था तो टू इयर्स के लिए हमें कैसे करना है टू लैक्स में प्लस करना है हमने सिंपल इंटरेस्ट कितना ढूंढा था फोर्टी थाउजेंड का तो टू लैक्स में फोर्टी थाउजेंड अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टू लैख फोर्टी थाउजेंड दैट इज़ योर थर्ड कैलकुलेशन फिर हमारा फोर्थ कैलकुलेशन हमारा फोर्थ कैलकुलेशन डेज में था तो ये तो पॉइंट में आंसर आया था तो इसको हमको कैसे करना था टू लैक्स हमारा प्रिंसिपल और हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था फोर नाइन थ्री वन का तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा टू लैख फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी वन तो दिस इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट आई होप कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सिंपल इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीखा होगा इसके साथ एक कंसेप्ट आता है याद रखना दैट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ़ सेवेंटी टू रूल ऑफ सेवेंटी टू बहुत ही सिंपल है ये रूल ऑफ़ सेवेंटी टू बेसिकली तभी यूज़ होता है जब कभी भी आपको कोई भी पूछेगा कि आ, अगर मैं एक लाख रुपया आज इन्वेस्टमेंट करूँगा एट परसेंट के इंटरेस्ट से तो मेरा कितने साल में पैसा डबल होगा तो दिस इज़ द रूल ऑफ 72 बेसिकली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डबलिंग पीरियड तो डबल्स के लिए या इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं कितने साल में पैसा डबल होगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे उसके लिए ये रूल है बहुत ही सिंपल है जितने भी सेवेंटी टू को क्या करना है आपको समझो आपको आठ साल में पैसा डबल करना है तो आप करेंगे क्या सेवेंटी टू डिवाइडेड बाय आठ करेंगे जो भी आंसर आएगा वो आपके परसेंटेज होंगे ठीक है बहुत ही सिंपल अगर आपको समझो आठ परसेंट से ग्रोथ हो रहा है आठ परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है साल का तो कितने साल में पैसा डबल करेंगे तो सेवेंटी टू डिवाइडेड बाय सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई आठ एट परसेंट करेंगे तो आपका नाइन ईयर्स में पैसा डबल होगा तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया था एट ईयर्स में पैसा डबल करना है तो यहाँ पे नाइन परसेंट आएगा तो बेसिकली इसका आंसर एक्चुअली मतलब इससे हमको पता क्या चलता है इससे हमको यही पता चलता है कि कितने साल में हम पैसा डबल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इस पर बता दिया तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूजअली टाइम ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे काफ़ी सिंपल फॉर्मूलाज है कैपिटल बजटिंग के जो कंसेप्ट है वही इसमें है फ्यूचर वैल्यू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर एस टू एन ऐसे सब फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है दैट ऑल्सो विल बी सॉल्विंग इन द कमिंग लेक्चर्स टू कम सो आई होप कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो एग्जैक्टली exactly होता क्या है वो मैंने आपको इस सेशन में बताया और हमने एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है तो इसको आप प्रैक्टिस करें ये क्वेश्चन को आप अपने बुक्स में नोट डाउन करके रखें ताकि आपको पता चले एक्जैक्टली exactly कि सिंपल इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यूज को हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाय बाय टेक केयर